अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं अपना चैनल वफा हैंडवर्क। आज हम बहुत ही प्यारी सी एक लेस डिज़ाइन बनाएंगे क्रोशिया से, और इसके लिए मैंने सिल्क धागा लिया है और इस तरह की मैंने क्रिस्टल बीड्स ली है। यह सैम्पल डिज़ाइन में बनाने जा रही हूँ, और इस डिज़ाइन को आप जो है दुपट्टे पे, साड़ी बॉर्डर पे, स्लीव्स वगैरह पे बना सकते हैं। तो अगर आपके पास ये मोती ना हो तो आप कोई और भी मोती लगा सकते हैं। तो मैंने धागे में देखिए मोतियाँ पिरो ली हैं और सिल्क धागे से मैं डिज़ाइन बनाऊंगी। ठीक है, 11.07 mm की निडल ले रही हूँ। सबसे पहले हम बेस बनाएंगे। स्लिप नॉट बनाते हुए सिंगल क्रोशिया से अटैच करना है इस तरह। फिर एक चेन सिंगल क्रोशिया बनाते हुए बेस बनाएंगे हम। इस तरह देखें, बहुत दूर दूर नहीं करना है, बहुत नज़दीक भी नहीं। बहुत हिसाब से आप बेस अच्छी सी बना लेंगे ना तो आपकी डिज़ाइन भी बहुत अच्छे से बन के आएगी। इस डिज़ाइन को खासकर आप दुपट्टे पे बनाएंगे तो बहुत ही प्यारा सा आपका दुपट्टा बन के तैयार होगा। इस तरह देखिए बनाते जाना है। तो मैं बेस बना लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। इस तरह देखिए फ्रेंड, बेस हमारी बन गई है एक चेन सिंगल क्रोशिया के साथ। और जब आप दुपट्टे वगैरह बनाएंगे ना तो आप जब एक राउंड पूरा कर लेंगे बेस बनाते हुए, जैसे यहाँ तक पहुँचेंगे, फिर सीधी तरफ से ही आपकी डिज़ाइन शुरू होगी। सीधे तरफ से ही आपके सारे राउंड जो है बनेंगे। तो मैं सैम्पल डिज़ाइन बनाने जा रही हूँ, तो यहाँ पे मैं धागे को कट नहीं करूँगी, मैं ऐसे ही बैक साइड में आ जाऊँगी। ठीक है, तो आपके जो है डिज़ाइन के सारे राउंड सीधे तरफ से बनेंगे अगर आप दुपट्टे वगैरह पर बनाएंगे तो। और अगर आप दामन वगैरह बनाएंगे तो जैसे अभी मैं टर्न ली हूँ वैसे ही आपको लेना पड़ेगा उसमें। ठीक है, तो अभी हम एक चैन लेके पहले स्पेस में बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। अब एक सिंगल क्रोशिया हम इसके ऊपर बना लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे एक चेन को देखते हुए और ये दो सिंगल क्रोशिया बन गई, तो यहाँ पे समझ लीजिए हमारी तीन सिंगल क्रोशिया हो गई। अब तीन चेन करना है और पहले स्पेस को छोड़ के दूसरे में बनाएंगे डबल क्रोशिया इस तरह से। फिर तीन चेन, अब ये स्पेस छोड़ के ये सिंगल क्रोशिया के ऊपर बना लेंगे सिंगल क्रोशिया इस तरह से। देखिए करना है, अब एक सिंगल क्रोशिया ये चेन में और एक सिंगल क्रोशिया इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से बना लेना है। फिर तीन चेन, ये स्पेस छोड़ के दूसरे में डबल क्रोशिया। फिर तीन चेन, ये स्पेस छोड़ के ये जो है सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया। अब एक सिंगल क्रोशिया चेन में, फिर एक सिंगल क्रोशिया इसके ऊपर इस तरह से। देखिए पहला राउंड हमें बना लेना है। फिर तीन चेन, एक छोड़ के दूसरे में डबल क्रोशिया। फिर तीन चेन, एक स्पेस छोड़ के ये सिंगल क्रोशिया के ऊपर। फिर एक चेन में, फिर एक सिंगल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से मैं बनाते हुए राउंड को पूरा करती हूँ। फिर उसके बाद जो है दूसरा राउंड कैसे बनेगा वो हम देखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से देखिए ये राउंड पूरा हो गया। अब यहाँ पे डबल क्रोशिया बना ली हूँ, अब एक स्पेस छोड़ के इसके ऊपर हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब ये चेन वाले में बनाएंगे, आखिरी में हम बस दो सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और अब ऐसे हम सीधी तरफ आ जाएंगे। अब सात चेन करना है, और ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हम बनाएंगे स्लिप स्टिच
इस तरह से, फिर 7 चेन, और ये वाली डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच इस तरह, फिर 7 चेन, डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच इस तरह से, देखिए हमें बनाते जाना है। इस तरह मैं बनाते हुए आखिरी तक पहुंचती हूँ, फिर देखते हैं। इस तरह देखिए ये राउंड हमारा इस तरह से बन गया है। 7 चेन और स्लिप स्टिच करते हुए सबके ऊपर यहाँ तक आ गई हूँ। अब हमें आखिरी में देखिए यहाँ पे बनाना है, ये जो सिंगल क्रोशिया है ना इसके ऊपर करना है, तो यहाँ पे हम 3 चेन लेते हुए करेंगे। पूरे पे 7 चेन लेते हुए बनाई हूँ, आखिरी में 3 चेन लेते हुए करना है। और 2 बार धागे को नीडल पे लेंगे और एक सिंगल क्रोशिया छोड़ेंगे, दूसरे के ऊपर बना लेंगे। इस तरह से कर लेना है। अब एक चेन लेते हुए हमें बैक साइड में आ जाना है, और ये जो बनाई हूँ ना ट्रिपल क्रोशिया, इसी के ऊपर हम बनाएंगे सिंगल क्रोशिया इस तरह। अब एक और सिंगल क्रोशिया चेन के अंदर बना लेंगे इस तरह से। अब 2 चेन लेके ये जो स्लिप स्टिच बनाई हूँ इसके ऊपर हम बनाएंगे डबल क्रोशिया इस तरह से, फिर 2 चेन। अब यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशिया बना लेना है, 3 बार हम बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, ऐसे थोड़ा सरका के इधर कर लें इस तरह, 3 सिंगल क्रोशिया बना के फिर 2 चेन और ये स्लिप स्टिच के ऊपर बनाएंगे डबल क्रोशिया इस तरह, देखिए बनाना है हमें। फिर 2 चेन, इसमें बनाएंगे 3 सिंगल क्रोशिया इस तरह, फिर 2 चेन, इसके ऊपर बनाएंगे डबल क्रोशिया इस तरह से, देखिए बनाते जाना है। 2 चेन, चेन में 3 सिंगल क्रोशिया बना के, फिर 2 चेन, स्लिप स्टिच के ऊपर डबल क्रोशिया इस तरह से बनाते हुए आखिरी तक पहुंचती हूँ, फिर देखते हैं। ठीक है, देखिए तो इस तरह देखिए ये राउंड हमारा बन गया। अभी देखिए इसके ऊपर डबल क्रोशिया बना ली हूँ। अब यहाँ पे हम 2 चेन लेके इस तरफ 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पे हम 3 चेन लेते हुए ऐसे सीधी तरफ आ जाएंगे। अब हम ये जो दूसरी वाली सिंगल क्रोशिया है इसके ऊपर बनाएंगे डबल क्रोशिया। अब ये चेन में हम बनाएंगे 2 बार डबल क्रोशिया इस तरह से। अब इस तरफ के चेन में बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया इस तरह। अब ये 3 सिंगल क्रोशिया है ना, तीनों पे एक एक बार बना लेंगे डबल क्रोशिया इस तरह। अब ये चेन में 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे, फिर इस तरफ के चेन में 2 बार बनाएंगे इस तरह से, फिर तीनों सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक एक बार बना लेंगे इस तरह। देखिए इस राउंड को हमें बना लेना है। अब इस तरफ चेन में 2 बार, फिर इस तरफ चेन में 2 बार, फिर तीनों सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक एक बार इस तरह से बनाते हुए हमें राउंड को पूरा कर लेना है। ठीक है, चलो देखिए ये राउंड हमारा पूरा हो गया।
तो यहाँ पे चेन में दो बार बना ली हूँ। अब ये दो जो सिंगल क्रोशिया है इसके ऊपर बना लेंगे इस तरह से। अब एक चेन करते हुए हमें बैक साइड में आ जाना है। अब हम आखिरी राउंड इसके ऊपर बनाएंगे मोतियों के साथ में। मोती लगा लेंगे इस तरह। अब यह क्रॉस में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब एक गैप छोड़ के दूसरी वाली पे बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। अब चार स्पेस में और सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से फिर इसी तरह मोती लगाएंगे। फिर क्रॉस में यहाँ पे सिंगल क्रोशिया। फिर एक गैप छोड़ के दूसरे में सिंगल क्रोशिया। चार स्पेस में और बनाएंगे। इस तरह तो मैं इतनी इतनी दूर पे मोती लगा रही हूँ। आप अपने हिसाब से दूर और नज़दीक कर सकते हैं। ठीक है, बस इसी तरह से बनाते हुए हमें बॉर्डर को पूरा कर लेना है। तो मैं पूरे बॉर्डर को बना के फिर इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो इस तरह से देखिए आखिरी तक बना ली हूँ। अब यहाँ पे हम धागे को रोक के इसका फाइनल लुक देखते हैं। ये हमारा उल्टा साइड है, ये जो है हमारा सीधा साइड है। तो जब आप मोतियों वाले बॉर्डर को बनाएं ना तो उल्टे साइड से बनाएंगे, तो देखिए सीधे साइड से मोती कुछ इस तरह से दिखेगी। वैसे ये डिज़ाइन दोनों तरफ से कुछ फ़र्क ज़्यादा नज़र नहीं आता है, लेकिन फिर भी कोशिश करिए जब मोतियों वाला आप राउंड बनाएं तो उल्टे साइड से बनाएंगे तो सीधी तरफ की डिज़ाइन ज़्यादा अच्छी दिखेगी। इस तरह से देखें तो इस तरह से आप स्लीव्स पे भी बना सकते हैं, बहुत ही प्यारा सा लुक आएगा। देखिए बॉर्डर बना सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो और ये डिज़ाइन आप सबको पसंद आई होगी। अगर ये डिज़ाइन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं ऐसे किसी प्यारे से डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।